चिदानंद नमस्ते। सत्यात प्रकाश एक अध्ययन, इसके 11वें सत्य में आपका स्वागत है। अग्निवीर.com इस वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सत्यात प्रकाश का जो ग्रंथ है उसकी पीडीएफ फाइल मैं आप सबको भेज चुका हूँ। आपको नहीं मिली है तो आप इसको अग्निवीर.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 31 पर हम हैं। पीडीएफ फाइल की पृष्ठ संख्या 23 है। पिछली बार हमने ईश्वर के नामों की श्रृंखला में 94वां अनुच्छेद पढ़ा था, आप व्याप्त, और इससे उस परमात्मा का नाम आप है। आज हम 95वां नाम देख रहे हैं, उसी 95 क्रमांक अनुच्छेद में आगे पढ़ते हैं। धातु है डू कै करणे संपूर्वक, इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह संकल्याणम सुखम करोति स शंकर, जो कल्याण अर्थात सुख का करने आया है इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। ये एक दोषों से मिलकर बना है ये नाम, शम और करोति, जो शम करता हो अर्थात शम का अर्थ है सुख और शांति, जो सुख शांति और हमारे कल्याण की भावना से हमें कुछ देता हो जिससे हमें सुख मिले उसका नाम है शंकर, और जो स्पष्ट है परमात्मा पर ही लागू हो सकता है। इस नाम को देखकर मैं, या आगे भी वो आएगा, हाँ शिव शब्द आने वाला है सवा, तो मैं वहाँ ये जो सामान्य जनसामान्य में यह भावना है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शंकर वाली, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 96वां अनुच्छेद है, महत् शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देव स महादेव, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। जो देवों में भी महान है, देव शब्द हम देख चुके हैं पहले, देवता धानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा, यह यास्क का वचन है नियुक्त में, जो देता है कोई कल्याणकारी वस्तु या सुख देता हो, दीपनाद वा या प्रकाश देता है, द्योतनाद वा या ज्ञान का प्रकाश देता है, उसे देव कहते हैं। तो ईश्वर तो देव है ये, और भी हम जगत में बहुत से देव हैं, मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो जड़ और चेतन दोनों पदार्थ देव हैं, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा वायु जल अन्न ये सब भी देव हैं, तो दोनों जड़ और चेतन देवताओं के मध्य में सबसे बड़ा देव जो है वह परमेश्वर है,
अतः वह महादेव है। 97वां अनुच्छेद पढ़ते हैं। पीय तर्पणे कांतौ च, इस धातु से पीय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रणाति पीयते वास पीय, जो शब्द महात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम पीय है। तो यहाँ दो धातु बताई है, धातु एक है लेकिन दो अर्थों में, तर्पणे और कांतौचा, जो हमें तृप्त करे और हमें कांति दे, प्रसन्नता दे, सबके कामना के योग्य है, वह प्रिय कहलाता है और परमात्मा का वो एक नाम है। 98वां अनुच्छेद देखते हैं। भू सत्तायाम, भू धातु बता रहा है सत्ता के अर्थ में है। स्वयं पूर्वक, इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति स स्वयंभूई स्वय, जो आपसे आप ही हो, आपसे आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। परमात्मा का अस्तित्व है और उसके अस्तित्व में कोई और कारण नहीं है, किसी और की इच्छा से उसका अस्तित्व नहीं है, अपितु वह स्वयं ही अस्तित्व में है, इसलिए वह स्वयंभू है। 99वां शब्द देखते हैं। नाम कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कवि ईश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। वेद जो ग्रंथ है वो शब्दमय है, शब्दों में ही ज्ञान निहित होता है, तो वो शब्दों को देने वाला भी ईश्वर है, अतः वह कवि है। इसमें एक भाषा का ज्ञान भी है, क्योंकि वेद से ही हमें भाषा का ज्ञान मिला है कि हम आपस में अपने विचार दूसरों को व्यक्त करके संप्रेषित कर सकते हैं। तो ये जो संसार में भाषाएं चल रही हैं, हम ये सारी भाषा का मुख्य उद्गम वेद से है। इसमें दूसरी भावना भी है कि ईश्वर के बनाए इस वाक यंत्र से मैं शब्द बोल पाता हूँ, तो यह जो हमारी सामर्थ्य है, यह ईश्वर की दी हुई है। तो शब्द बनाने की, शब्द बोलने की, और ये ध्वनियाँ जो हम अपने वाणी से निकाल पाते हैं, इसलिए भी वह कवि है। अब 100वां अनुच्छेद देखे हैं इस श्रृंखला में। यह धातु है शिव कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलमेतन निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का कहने आया है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। तो शिव में भी वही भावना है जो शंकर 95वें अनुच्छेद में थी, कल्याण की भावना। तो शिव नाम भी ईश्वर का है कि वह कल्याण का जी है, हम सबका भला करता है,
हम सबको सुख देता है इत्यादि भावना है। यहाँ मैं थोड़ा विचार रखना चाहता हूँ दो तीन ढंग से। एक तो इस समुल्लास के बहुत आरंभ में ही महर्षि दयानंद ने लिखा है कि ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं और उन सब के द्योतक है ईश्वर के विभिन्न नाम। तो यह जो सवा नाम हम देख हैं, ईश्वर का नाम शिव है, यह उसका एक गुण है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह जो शब्द है शिव, यह एक गुणवाचक शब्द है व्याकरण में, जिसे कहेंगे यह विशेषण है कि ईश्वर शिव है। यह उसका एक गुण है कि वह सारे प्राणी मात्र का कल्याण करता है। जो विशेषण शब्द होते हैं उनके आगे प्रत्यय लगते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं तयप और तमप वाले प्रत्यय। तयप तमप घ, ऐसा अष्टाध्यायी में सूत्र है, तयप और तमप प्रत्यय। तो जैसा है कि जो अंत में हलंत होता है तयप और तमप का, उसका लोप हो जाता है, तो तय और तम बचते हैं। जैसे मैं कहूँ सुंदर, यह एक विशेषण शब्द है, तो इससे क्या बना, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। अंग्रेजी में कहेंगे तो ये कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के शब्द हैं। जैसे गुड शब्द है, एक अंग्रेजी का विशेषण वाला शब्द है गुड यानी अच्छा, तो गुड बेटर बेस्ट। तो उसमें जो तुलनात्मक ढंग से और भी अच्छा है उसको हम कह देंगे बेटर, और जो सर्वोत्तम है सबसे अच्छा है उसको कहेंगे बेस्ट। वैसे ही कोई चीज सुंदर है तो कहा वह फूल सुंदर है, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर कोई आ गया तो उसको कहेंगे यह तो सुंदरतर है। और बहुत सारे फूलों में एक सबसे अधिक सुंदर है, उसको कहा यह तो सुंदरतम है। तो जो गुणवाचक शब्द होते हैं उनके ही आगे तर और तम वाले प्रत्यय लगते हैं। यह मैं शिव शब्द के संदर्भ में बोल रहा हूँ, क्योंकि संध्या के मंत्रों में जो अंतिम मंत्र आता है जिससे आप सब परिचित होंगे, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्रयाय च। तो शिव शब्द के बाद क्या आया अंत में, नमः शिवाय नमः शिवत्रयाय, यानी ईश्वर को कहा जा रहा है कि आप शिव हैं, हम आपको नमन करते हैं, और आप शिव ही नहीं हैं, आप शिवत्रय हैं। तो जब शिवत्रयाय च कहा तो आप शिव भी हैं और शिवत्रय भी हैं। जब ऐसे कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके बराबर कोई और नहीं है, आप ही आपसे बढ़कर हैं, कोई आपके बराबर है ही नहीं। तो यह मैं इसलिए आपके साथ इतना बोल रहा हूँ शिव शब्द पर कि शिव शब्द एक गुणवाचक शब्द है, विशेषण, ये विशेष नहीं है, पर यह सामान्य भाषा में ये चलता है कि कोई चीज किसी का गुण है तो वह उसका नाम भी हो जाता है। समझिए, एक बालक सुंदर है तो हम क्या कहेंगे, वह बालक सुंदर है। और समझिए उसकी माँ ने उसका नाम ही रख दिया सुंदर, तो भी हम क्या कहेंगे, वह बालक सुंदर है, उसका नाम सुंदर है, तो वह बालक सुंदर है। तो सुंदर शब्द गुणवाचक भी हो गया, उस बालक का गुण है, और उस बालक का नाम भी हो गया, वह सुंदर है। तो ईश्वर भी शिव है क्योंकि वह कल्याणकारी है, यह उसका गुण है। और कहा हमने ईश्वर शिव है, यानी ईश्वर का नाम शिव है।
नमः शिवाय च शिवतयाय च में बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि शिव शब्द ईश्वर का एक गुणवाचक नाम है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर कहना और ऐसी कल्पना कर लेना कि शिव नाम का एक कोई है, कैलाश पर्वत में है, ये है वो है, वो कल्पना सही नहीं है, क्योंकि शिव शब्द मूलतः गुणवाचक है और वह असल में केवल ईश्वर पर ही लागू हो सकता है जो अनंत निराकार सब जगह विद्यमान है। तो यह मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए कहा, कोई नई बात नहीं कही, वही है जो समुल्लास के आरंभ में महर्षि दयानंद कह चुके हैं कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है और इससे उसके नाम भी अनंत है। तो यह जो शिव नाम आया यह गुणवाचक है, ये विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव है, और यह नाउन भी बन जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिए जगत में, बालक देखने में सुंदर है तो हमने कहा बालक सुंदर है, बालक की माँ ने उसका नाम ही रख दिया सुंदर तो भी हम कहेंगे वो बालक सुंदर है। तो वाक्य वही है, सुंदर शब्द उसका नाम भी हो सकता है और उसका गुण भी हो सकता है। तो वैसे ही ईश्वर शिव है। अब एक चीज जो मैं बताना कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू समाज के भाई बहन ईश्वर को, ईश्वर की जो तीन शक्तियाँ हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति और उसका संहार पहले, इसके साथ उन्होंने तीन नाम जोड़ दिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश कहकर। और फिर उनकी ऐसी, बहुत से लोग ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि एक देव है ब्रह्मा जो सृष्टि बनाता है और एक देवता है विष्णु जो सृष्टि को चला रहा है और एक देवता है जो सृष्टि को वापस उसका संहार करके उसको उसका उसकी पहले कह देगा, उसका नाम शंकर है जो तांडव नृत्य करता है। ऐसी ऐसी कल्पना की उन्होंने, तो यह सही नहीं है, वह एक ही इकाई है परमात्मा, आप उसको जो भी नाम दे दें, और गुण कर्म स्वभाव से उसके अनेक नाम हैं, पर ये जो नाम है ब्रह्मा संसार बनाने वाला, विष्णु संसार को चलाने वाला और शंकर संसार को पहले की ओर ले जाने वाला, ये तीन नाम ईश्वर की इन तीन गतिविधियों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ब्रह्मा शब्द हमने देख लिया जो ब्रह्म है, अति महान है। विष्णु शब्द हमने देखा विश्व व्याप्त जो सर्व जगह व्यापक है। अभी हमने शिव और शंकर देख लिया, अंग्रेजी में कहते हैं बेनेवोलेंट, जो सबका कल्याण करता है। तो इन तीनों नाम से तीन देवताओं की कल्पना करना और उनके साथ जगत की उत्पत्ति स्थिति पल्ले को जोड़ने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि इन तीनों नामों के अलग दूसरे ही कुछ अर्थ हैं जो हम देख चुके हैं। तो ये बहुत ही अविद्या चल रही है, लोग बोलते जाते हैं और कुछ लोग बड़े ही मल्टीफेथ इंटरफेथ जो हाँ वार्तालाप होते हैं, सब मत मतांतर के लोग बैठते हैं, तो जो अंग्रेजी का शब्द गॉड है उसमें भी जी ओ डी, तो जी से जनरेशन, ओ से ऑपरेशन और डी से डिसोल्यूशन या डिस्ट्रैक्शन, ऐसे करके बात कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि यह हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश से मेल खाता है, जी ओ डी। तो ऐसी ऐसी लोगों ने कल्पनाएं की हुई हैं, तो वो सही नहीं है अपनी जगह। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब महर्षि दयानंद लिखे हैं, ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है वैसे उसके अनंत नाम भी हैं।
उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। प्रश्न, ये महर्षि दयानंद की शैली है कि जहाँ जनसामान्य में कुछ शंका है, कुछ गलत विचार धारणा है, तो उसका निवारण करने के लिए वो पहले एक प्रश्न को उपस्थित करते हैं, फिर स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं, निराकरण करते हैं। प्रश्न पूछा, बताया, जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण कहते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। अब महर्षि वही जैसे कोई ये प्रश्न करके आक्षेप कर रहा है कि आपने मंगलाचरण नहीं किया आरंभ में या मध्य में या अंत में, तो वे स्वयं इसका उत्तर देते हैं, ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि मध्य अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतिस्तश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। महर्षि मंगलाचरण शब्द का अर्थ बताना चाह रहे हैं, यह संयुक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, मंगल और आचरण। तो कहना चाह रहे हैं कि हमारा आचरण सदा ही नेक हो, अच्छा हो, सत्य और न्याय के अनुरूप हो, तो वही मंगलाचरण कहलाता है, न कि कुछ कह दिया शुरू में, कुछ अंत में और उसका नाम दे दिया मंगलाचरण। देखिए आगे लिखे हैं, वो देखिए महाशय महर्षियों के लेख को, जो हमारी सनातन परंपरा में पुराने महर्षियों ने अपने अपने ग्रंथ कैसे लिखे हैं। तो यहाँ 33 उपनिषद का वचन है, या न्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि। हे संतानों, जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त नहीं। यानी मंगलाचरण का एक उपदेश हमें 33 उपनिषद में दिया गया है, वह बताया कि जो अनिंदनीय है, जो सार्वभौमिक धर्म से युक्त है, यह मैं कई बार कह चुका हूँ, धर्म शब्द वो जो आजकल चल रहा है हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, उस अर्थ में नहीं आता। सत्यात प्रकाश में जहाँ कहीं भी धर्म शब्द आएगा वो है जो सार्वभौमिक मानव धर्म है, तो आप उसका कृपया ध्यान रखिए, नहीं तो महर्षि दयानंद का भाव आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या धर्म युक्त कर्म है, यानी जो कोई भी मनुष्य को बुरा न लगता हो, निंदनीय नहीं है, अनिंदनीय है, जिसकी कोई भी निंदा न करे, जिसकी कोई भी बुराई न माने, बुरा न माने, वैसे कर्म को ही हम मंगल आचरण कह सकते हैं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीता रामाभ्याम नमः
राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणाय विंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, वटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, और आर्ष ग्रंथों में प्लुतों में यह ओम तथा अर्थ शब्द तो देखने में आता है। फिर आगे बहुत से उदाहरण दे रहे हैं विभिन्न आर्ष ग्रंथों के जो ऋषियों ने बनाए हैं। अभी ये जो अनुच्छेद मैंने पढ़ा, मैं इसमें आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि यहाँ कई नाम वैसे हैं जो अभी प्रथम समुल्लास में ही ईश्वर के नाम के रूप में पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, जैसे गणेश, श्री, है ना, और शिव, नारायण, सरस्वती, ये सब ईश्वर के नाम हैं। तो कोई कह सकता है अब श्री गणेशाय नमः कहने में क्या बुराई है, श्री भी परमात्मा का नाम है, गणेश भी परमात्मा का नाम है, शिव भी परमात्मा, सरस्वती भी परमात्मा का, नारायण भी परमात्मा का, तो शिवाय नमः कहने में क्या बुराई है। यह बहुत ही उचित प्रश्न है, पर फिर भी महर्षि कह रहे हैं कि हमारी सनातन परंपरा है जो ईश्वर का अपना निज नाम है ओम, इसी को सबसे आगे रखते हैं अथवा अथ शब्द। तो फिर वो उदाहरण दे रहे हैं, देखो अथ शब्दानुशासनम, अथ इत्येयम् शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते। यह व्याकरण महाभाष्य जिसके लेखक पतंजलि माने जाते हैं, जो अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी का भाष्य है, तो उनका उदाहरण दिया। फिर उदाहरण दे रहे हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा अथेत्यानन्तये वेदाध्यनानन्तरम्। यह पूर्व मीमांसा जो मीमांसा दर्शन कहलाता है उसका आरंभ ऐसे होता है। अब वैशेषिक दर्शन का आरंभ है अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, यहाँ अथ इति धर्म कथनानन्तरम् धर्म लक्षणम् विशेषेण व्याख्यास्यामः। यहाँ धर्म क्या लक्षण और धर्म की बातें बताई जाएंगी, यह कहकर वैशेषिक दर्शन आरंभ किया। वैशेषिक के लेखक हैं कर्णाद, और जो पहले इसके पहले था यह पूर्व मीमांसा, उसके लेखक हैं जैमिनी। अब योग का देय है अथ योगानुशासनम अथेत्ययम अधिकारार्थ, यह योग शास्त्र जो महर्षि पतंजलि का है। अब एक सांख्य का भी उदाहरण दिया, अथ तीव्र दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, सांसारिक विषय भोगानन्तरम् तीव्र दुख अत्यंत निवृत्ति अथ प्रयत्न कर्तव्य। यह सांख्य भी अथ से, ये सारे उदाहरण अथ से आरंभ हो रहे हैं। फिर वेदांत दर्शन है जो बादरायण का, जिनका एक नाम व्यास भी है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब एक दो उदाहरण उपनिषद से ले रहे हैं, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है, क्या है, ओम इति अत्यदक्षयम् उद्गीतम् उपासीत। यह ओम से शुरू हो रहा है, इसके पहले के सब अर्थ से शुरू होते थे। अब मांडुक्य उपनिषद के आरंभ का वचन क्या है, ओम इत्येतदक्षयम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। ओम की व्याख्या ही है मांडुक्य में, तो वैसा उन्होंने वचन लिखा है। अब महर्षि आगे वेद में से बताया है,
ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं, वैसे ही अग्नि इट अग्नि ये ते सप्ताह पर्यन्ति, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। महर्षि ने संस्कार विधि बनाते समय स्वस्ति वाचन और शांतिकरण दो संग्रह मंत्रों का रखा है। तो स्वस्ति वाचन में चारों वेदों के पहले मंत्र आए हैं। पहला मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम, यह ऋग्वेद का पहला मंत्र है, तो जिसमें अग्नि सबसे पहले। फिर आगे आता है ईशे तो जे त्वा वाय इस्त देव, यजुर्वेद का पहला मंत्र है, तो इश को इट लिखा है यहाँ पर, इश को हम कह सकते हैं अन्न जो हमें ऊर्जा जिससे मिलती है, इसे तो जे वात्या। फिर वहां सामवेद का आता है अग्नाया ही वीतये, तो उसमें का अग्नि आ गया। और स्वस्ति वाचन का अंतिम मंत्र है ओम ये ते सप्ताह पर्यन्ति विश्वाण, ये भी महेश ने लिखा। तो उन्होंने चारों वेद में के जो आरंभिक शब्द हैं उनका यहाँ उल्लेख किया। आगे वो लिखते हैं, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं, श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं, और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। यहाँ ये ध्यान देना होगा, आगे चलिए पढ़ लूँ पहले मैं, फिर पूरा हम समुल्लास पढ़ जाता हूँ। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं है, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, अब इसके आगे